बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरों ने सभी को परेशान कर दिया है और हर कोई इसी बात को लेकर परेशान है कि आखिर क्या हो रहा है बॉलीवुड में, क्यों एक एक करके हर कोई जो है एडमिट हो रहा है। अब जैसे ही कल खबर आई कि दिलीप कुमार साहब की तबीयत नासाज है और उन्हें एडमिट किया गया है, फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फैंस की परेशानी को देखते हुए सायरा बानो जी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है। क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले साल दिलीप साहब ने अपने दो भाइयों को कोविड की वजह से खो दिया, लेकिन सायरा जी ने तब भी लोगों को यह आश्वासन दिया था कि दिलीप साहब की तबीयत एकदम ठीक है और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अब अचानक जैसे ही उनके हॉस्पिटल एडमिट की खबर आई तो फैंस परेशान हुए। सायरा जी ने स्टेटमेंट जो है वो इशू किया है। आप सभी जानते हैं कि कोविड काल में बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो कोविड हॉस्पिटल हो गए हैं और ऐसे में रेगुलर चेकअप कराना भी उनका मुश्किल हो गया था, जिसको देखते हुए दिलीप साहब को मुंबई के खार के हिंदुजा हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए एडमिट किया गया। वहाँ उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सायरा जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान कहा, दिलीप साहब तेजी से रिकवर हो रहे हैं, उनको जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। बता दें दिलीप साहब जो है आज वापस आ जाएंगे, ऐसा सायरा जी ने उनके फैंस को मैसेज दिया है। तो दिलीप साहब रेगुलर चेकअप के लिए एडमिट हुए थे, कल से ये खबरें थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि अब सायरा जी ने साफ साफ कहा है कि वो एक रेगुलर चेकअप के लिए एडमिट हुए, वो आज जो है घर वापस लौट आएंगे।